हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट मैं पीयूष भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं डीएनए नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं चाहता हूं जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं देखिए मौसम भी सुहावना है और पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आने वाला है आज हम लेके आए हैं जो हंड्रेड एम हमारे टॉप इम्पोर्टेंट हंड्रेड एम की जो सीरीज़ थी उसमें हम क्लास फोर्थ के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं और लास्ट क्लास की तरह ही आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे होने वाले हैं और वही पैटर्न रहेगा हमारा समझने का कि हम क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शंस को विथ रेसनल जो है वो पूरी तरह ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो पहले मैं जल्दी से चाहता हूँ कि सब जल्दी से जो है वो जुड़ जाएँ और ताकि हम जल्दी जल्दी, जल्दी हमारी क्लास को शेयर जो है स्टार्ट कर सकें आप भी सभी स्टूडेंट जो है वो क्लास को के लिंक को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ में जुड़ सकें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी स्टूडेंट जो है वो आ गए हैं पुष्पा सी एच ओ एस्पायरेंट जितेंद्र कुमार दिलकुश मोनिका सुनीता गजेंद्र सभी को गुड इवनिंग और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और नोट सेट की जो एग्ज़ाम है उसकी जो है वो तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे बस आपकी तैयारी को थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि हम थोड़ा सा आपको सहारा लगा सकें कोशिश ये है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकें चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ सरोज प्रियंका गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू तो ऑल चलिए क्लास को शेयर करो लाइक करो ताकि हम हमारा जो है वो आज का क्वेश्चन सेशन चालू करें और देखिए पहला फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका हमारा समझने का तरीका आपको सबको अच्छी तरह पता है कि हम किस तरह से जो है वो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे चलिए राहुल पारुल कंचन वर्मा चलिए सब आ गए हैं अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन सेशन और आज के क्वेश्चन सेशन का जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए अमित कुमार वेरी गुड इवनिंग क्वेश्चन आ गया बेटा अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन पहले पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्वेश्चन के पॉइंट पर ध्यान रखिएगा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विथ डायग्नोस्ड एक्यूट मेनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम एक क्वेश्चन में कई जो है वो टर्मोलॉजी है कई जो है वो आपसे पूछा गया है पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिक नॉलेज है उस उसपे ही आपको स्टिक रहना है ये पूछा गया है कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है और पेशेंट किसका है एक्यूट मेनिया का है और एक्यूट मेनिया का है और साथ में क्या हो रहा है उसको हाइपर एक्टिविटी सिम्टम हो रहा है और आपके सामने ऑप्शन है जल्दी से आंसर दीजिए जल्दी से आंसर देंगे सब शिवराज गुड इवनिंग डियर गुरुजी डियर शिवराज गुड इवनिंग चलिए क्वेश्चन आ गया है आंसर दीजिए फटाफट भट, मैंने आपको क्वेश्चन जो है उसको समराइज कर दिया है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है एक्यूट मेनिया है साथ में क्या हो रखी है हाइपर एक्टिविटी हो रखी है तो जल्दी से सबसे पहला आंसर आया है सी एस्पायरेंट श्योर ये दलवीरी होगा और इनका आंसर है सी अजय पुरी आ गए हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग अजय अनुज मा का आंसर आया है सी सी बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से राजेश शाहवास 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 अरे आज खाना एक घंटे लेट बना लेंगे पर आज का ये क्वेश्चन सेशन लेंगे भाई ठीक है पुष्पा सी शाहवास सुनीता सी दिलकुश सी सरोज वेरी गुड शाबाश, शाबाश, लगे रहो लगे रहो वेरी गुड देखिए यहां पे हमने ये कहा कि पेशेंट जो है वो किसका है एक्यूट मेनिया का पेशेंट है ठीक है और मेनिया में इसने खुद ही दे दिया क्वेश्चन में कि पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है हाइपर एक्टिविटी कर रहा है अब अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन पे ध्यान दें अच्छी बात है आप लोगों का आंसर आ रहा है ठीक है

क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मेनिया का पेशेंट बहुत ज्यादा टालकेटिव होता है बहुत ज्यादा बोलता है इसकी वजह से उसका सोशल इंट्रैक्शन भी जो होता है वो क्या हो जाता है हो जाता है और साथ ही साथ उसमें देलूजन, और देलूजन भी कौन सा ऑफ ग्रैंडिसिटी पाया जाता है इस वजह से हाई रिस्क फॉर इंजरी भी रहती है और सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस भी रहता है क्योंकि थिंकिंग डिस्टर्बेंस इसमें पाए जाते हैं फ्लाइट्स ऑफ आइडिया होता है तो लगभग चारों ही ऑप्शन सही है तो हम इस सही में से हम ये देखें कि हाइपर एक्टिविटी के कारण जो है सबसे बड़ी रिस्क है वो किसकी है हाई रिस्क फॉर इंजरी यहाँ पे पेशेंट जो है वो रिस्क है किसके लिए इंजरी किसके लिए टू अदर्स एंड सेल्फ पेशेंट जो है वो दूसरों को और अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है इंजरी पहुंचा सकता है कारण क्या है एक ही कारण है वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है हाइपर एक्टिविटी और क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है देखो इस पर लिखा हुआ है प्रायोरिटी लिखा हुआ है तो प्रायोरिटी का मतलब यह है कि उस ऑप्शन में दो से अधिक ऑप्शन सही होंगे यहां पे हमारे चारों सही है पर चारों सही में से सबसे सही हमने निकाल दिया पहला और वो सी आंसर जिन्होंने सी आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं ठीक है अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना घर पर बैठे बैठे यहां से पॉसिबल है नहीं ठीक है बाकी जब क्लास में आओगे तब तो मैं थपथपा दूंगा ठीक है शाबाश समीर समीर डेलीजन ऑफ ग्रांड ग्रांड वेरी गुड शाबाश बाकी जबानो सी वेरी गुड गजेंद्र वर्मा सी वेरी गुड इसकी ब्राइटनेस कम करना वेरी गुड शाबाश जिन्होंने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है पहला क्वेश्चन क्लियर है सबके अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं ध्यान दीजिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया है भाई दूसरे क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो देन उसके बाद में उस क्वेश्चन का आंसर दो ठीक है क्वेश्चन सेकंड राजेश कह रहे हैं सर बारिश की वजह से कोचिंग मिस हो रही है कोई बात नहीं है कोचिंग ऑफलाइन मिस हो रही है कोई बात नहीं हम आपके लिए ऑनलाइन आ गए और बताइए देखिए ये खेल तो तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते ए, अभी मैंने कल परसों एक शायरी पढ़ी थी बहुत अच्छी थी कि खेल तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते तो वाली बात है कि यहाँ पे हम जब तक लगे रहेंगे जब तक कि हम सक्सेस नहीं हो जाते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है Which of the following is नॉट ए preferred प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पहला क्वेश्चन नर्सिंग डायग्नोसिस का था देन अब जो है वो क्वेश्चन आया है, वो किसका है? पे क्वेश्चन जिनका पैटर्न बिल्कुल इजी रहता है वो क्वेश्चन आप तो और कहीं से भी कर सकते हैं पर यहाँ पे हमारी कोशिश ये है स्पेशली मेरी कोशिश ये है कि आपको अलग हटके क्वेश्चन करवाएं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो सके ताकि आपकी आदत पड़ सके कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है वो आपको आ सके ठीक है तो देखिए ये प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्वेश्चन है भाई और priority nursing intervention पूछा है पेनिक अटैक पेशेंट जो डायग्नोसिस पे हम ये बोले पी डी पेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर पेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है फटाफट से बता दीजिए पेनिक एनजाइटी डिसऑर्डर अरे पेनिक एनजाइटी क्या होता है तो पता है ना मैंने बताया भी था आपको कि पैनिक एनजाइटी का मतलब क्या होता है यहां पे क्या होता है एक्यूट ऑनसेट होता है क्या होता है एक्यूट ऑनसेट होता है किसका इंटेंस एंजाइटी का इंटेंस एंजाइटी का अगर एक्यूट ऑनसेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं पेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक है

फिर से दलवीर दलवीर ने चेंज कर दिया आपकी बार आंसर सी तो देखिए यहाँ पे हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये देखिए पेनिक एंजाइटी समझ लिया अब हमारे को देखना है कि इंटरवेंशन क्या करेंगे तो पहला है टॉक टू द पेशेंट टॉक टू पेशेंट इन अ काम एंड रीअरिंग वॉइस के पेशेंट से हम जो है वो धीरे से और काम तरीके से मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करें दूसरा है प्रोवाइड अ सेफ एंड प्राइवेट प्लेस फॉर द पेशेंट कि पेनिक एंजाइटी के दौरान अगर पेशेंट आया है तो हम उसके लिए प्राइवेट और सेफ प्रोवाइड करें दूसरा टीज द पेशेंट अबाउट द कोगनेटिव री रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक यहां पर हमने यह बारे में हम पेशेंट से डिस्कस करें या फिर स्टे विद द पेशेंट इन अ काम एंड नॉन थ्रेटिंग वे ठीक है देखिए अब जिन भी स्टूडेंटों ने डी आंसर दिया है मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे को करना क्या है जल्दबाजी किस बात की है आराम से करना है आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है यहां पे देखो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट क्या लिखा हुआ है है यानी कि कौन सा नहीं है, अरे आप ये बता रहे हो कौन सा है क्वेश्चन पूछ रहा है है कौन सा नहीं अरे तो तो जल्दबाजी शैतान का काम होता है भाई अगर आप जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे ध्यान से पढ़ो और फिर आंसर दो ठीक है मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है आपको किस बात की है आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देन उसका आंसर दो अब सही ट्रैक पे जा रहे हो अब देखिए आप सब ने अपनी गलती सुधार ली बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है गलती करना गलत नहीं है पर गलती करके उससे सीखना जो है वो बहुत अच्छी बात है कि आपने गलती कर दी कोई बात नहीं है पर हम अपनी गलती को मान रहे हैं और उससे कुछ नया सीख रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है ठीक है वेरी गुड शाबाश और सबके आंसर आए हैं वो क्या है सी अरे भाई क्या नहीं करेंगे पैनिक एंजाइटी में पेशेंट है मैंने आपको बताया पेशेंट पहले ही क्या कर रहा है इस तरह से कर रहा है हड़बड़ा रहा है ठीक है और आप उसको कोर्ग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताओगे Cognitive का मतलब क्या होता है थिंकिंग या हायर फंक्शन अरे भाई उस समय पेशेंट जो है higher function of mind, higher function of mind cognition होता है है है? ये। अब उस समय patient जो है, वो पहले से ही क्या है? Panic anxiety में मैंने बताया एक्यूट ऑनसेट हुआ है इंटेंस एंजाइटी का मतलब एंजाइटी जो है वो क्या है एक्यूट फॉर्म ऑफ टेंशन है जिसमें बॉडी और माइंड दोनों अफेक्ट है और उस कंडीशन में आप जो है वो क्या कर रहे हो पेशेंट को cognitive restructuring के बारे में बताओगे तो वो कहां से समझ पाएगा उस बारे उस, उस, उस में वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा बाकी सब काम करते हैं पर ये ये काम जो है सी ऑप्शन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो यहाँ है साफ आप लोगों ने पढ़ा नहीं शायद तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा काम नहीं करेंगे तो आगे बात समझ में अब देखिए सब जो है वो ट्रैक पे आ गया वापस सबका आंसर जो है वो सी हो गया और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी गलती से सीखा है और अक्षय बाबरिया अभी भी आंसर दिया है उन्होंने बी बेटा बी गलत है बिल्कुल गलत है, में करते हैं। जो है सी नहीं करते। के बारे में हम उसको नहीं बताएंगे क्लियर है सबके चलो फटाफट समझा आने दो फटाफट तुम बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा यहां तक क्लियर है आगे चलते हैं जल्दी से अरे बैठे बैठे काम करो कुछ ठीक है एक्टिव रहना है भाई क्लास में आपको पता है मेरी क्लास में एक्टिव ही चलेगा समझा वाने तो फटाफट पता, पता, पता चले मनीष शाबाश क्या बात है कुणाल भारद्वाज समीर वेरी गुड चलिए अरे भाई मैं देख रहा हूँ व्यू अभी तक जो है वो लाइव कम बच्चे आए हैं बाकी कहाँ गए सबको बुलाओ सबको जो है मैसेज करो आप और सबको बुलाइए चलिए वेरी गुड सी एच ओ एक्सपायरेंट हैं बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो पर उनका 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 लगातार बरसना नदियों में बहाव ला देता है उसी प्रकार छोटे छोटे प्रयास जीवन में एक परिवर्तन ला देते हैं वाह क्या बात बहुत अच्छी बात कही दलवीर शाबाश यही होता है कि आदमी को कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है मैंने कहा ना खेल तब तक जारी रखना है जब तक हम जीत नहीं जाते और ऐसा कोई काम नहीं है जो कभी हो ही नहीं इंसान प्रयास करता है तो उस कार्य में जरूर सफल होता है वेरी गुड शाबाश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दलवीर ने जोश भर दिया हमारे अंदर और हम इसी जोश के साथ में नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जोश में होश नहीं खोना है अब की बार क्वेश्चन का सही से पढ़ना और सही से आंसर देना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए Then उसके बाद में आप जो है वो उसका आंसर दीजिएगा कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से क्लाइंट बिगिनस टू एक्सपीरियंस एल्कोलिक एल्कोलिक यानी कि उसको क्या हो रहा है हेलुसिनेशन हो हो रहे हैं. हो रहे हैं हैं ठीक है और क्लाइंट ने जो है वो क्या ले रखी है भाई एल्कोल एल्कोल की वजह से उसको क्या हो रहे हैं हेल्यूशनेशन हो रहे हैं ठीक है द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन इज दिस क्लाइंट और ये आपसे पूछ रहा है बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया अब फटाफट से इसका आंसर देना है ऑप्शन देखो प्रोवाइड ए क्वाइट इन्वायरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एज नीडेड एज प्रिस्क्राइब चेकिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर एवरी फिफ्टीन मिनट एंड ऑफरिंग जूस रीस्टेटिंग स्टेटिंग द क्लाइंट एंड मेजरिंग ब्लड प्रेशर एवरी थर्टीन मिनट अलाउ द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर क्लाइंट क्या करना है जल्दी से बताइए जितेंद्र कुमार का पहला आंसर आया है सबसे पहले आंसर दिया जितेंद्र कुमार ने और आंसर दिया है ए वेरी गुड बाकी स्टूडेंट देवगुजर ए ये थोड़ा लेट चल रहे हैं शायद कुनाल भारद्वाज ए गजेंद्र वर्मा ए दिलकुश सरोज शबाज पुष्पा ए, राहुल शाबाश मनीष क्या बात है यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कि आप छोड़ो को पकड़ के चलो। कि का मतलब ये है कि उसके परसेप्शन मतलब उसका परसेप्शन जो है वो क्या हो रहा है अल्टर्ड हो रहा है परसेप्शन क्या हो रहा है बच्चों अल्टर्ड हो रहा है और हमारे को पता है फॉल्स परसेप्शन होता, होता है क्या होता है फॉल्स परसेप्शन ये छोटी छोटी चीजें इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना तुरंत रिवाइज कर लेना है मतलब मतलब फॉल्स परसेप्शन कोई चीज नहीं है फिर भी उसको दिखाई दे रही है सुनाई दे रही है टच फील हो रहा है स्मेल आ रही है टेस्ट आ रहा है वो हो गया एल्यूसिनेशन अब हेल्यूसिनेशन को पकड़ के चलो हेल्यूसिनेशन होता है तब क्या होता है कि में पहली बात तो बीपी का को लेना देना नहीं है ठीक है दूसरी बात ये कि हेल्यूसिनेशन की कंडीशन में हम पेशेंट को दूसरे पेशेंट के साथ में खेलने नहीं दे सकते अब क्या होगा इससे कि कुछ है नहीं फिर भी उसको दिखाई दे रहा है ठीक है सपोज करो कि वो आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं अब वहां पे कोई है ही नहीं वो जाके उसको पकड़ रहा है ठीक है क्योंकि उसको क्या होगा फॉल्स होगा तो ये भी नहीं करेंगे बीपी का कोई लेना देना है नहीं तो दोनों तीनों ऑप्शन गए बचा हमारे पास में क्या ए ऑप्शन कि हम क्या करेंगे क्वाइट एप्शनमेंट क्योंकि देखो अल्टर्ड क्या हुआ है परसेप्शन क्या हुआ है परसेप्शन अल्टर्ड हुआ है और परसेप्शन अल्टर्ड हुआ, हुआ, हुआ होने की कंडीशन में हम एक ही काम करते हैं कि क्लाइंट को जो है वो नॉन स्टिमुलस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं याद रखिए क्या आप करेंगे नॉन स्टिमुलस आगे भी काम आएगा ये ध्यान रखना नॉन स्टिमुलस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं मिले सेंसेशन नहीं मिलेगा तो वो इंटरप्रिटेशन भी नहीं करेगा आगे बात समझ में तो हमारे को क्या करना है क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और एडमिस्टर करना है मेडिकेशन जो भी मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब की गई है उस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे वो मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ा सा और ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या हो सके रिसोल्व हो सके वेरी गुड सभी ने आंसर सही दिया है सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है सभी बधाई के पात्र हैं ठीक है सब वापस सभी अपने आप को शाबाशी दे लीजिए बहुत अच्छी बात है सबका आंसर बिल्कुल सही है शाबाश देखिए इस तरह के क्वेश्चन इंटरवेंशन के क्वेश्चन डायग्नोसिस के क्वेश्चन ये हम करते हैं तो हमारे कई सारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ठीक है वेरी गुड सभी को जो है वो बहुत बहुत बधाई सबका आंसर बिल्कुल सही है शाबाश पूजा ए शाबाश बहुत बढ़िया चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलो भाई फटाफट फड़ बताते रहो ताकि हम आगे बढ़ते रहें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए

और मेडिकेशन कौन सी है क्लोजापाइन मेडिकेशन कौन सी है क्लोजापाइन पहले बता देता हूं क्लोजापाइन मतलब बोले तो न्यूयर एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी ड्रग है नई वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग है नई वाली ठीक है बोले तो एटिपिकल इनका दूसरा नाम बोले तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ठीक है विच नर्सिंग डायग्नोसिस फिर से आ गया नर्सिंग डायग्नोसिस का क्वेश्चन विच नर्सिंग डायग्नोसिस में बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट कि इसमें जो है वो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट रहेगा सीजोफ्रेनिया क्लाइंट के लिए जो कि नई वाली यानी कि ए एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसका नाम है क्लोजापाइन लेरा तो चलिए राजेंद्र चौधरी का आंसर आया सी समीर सी सरोज सी बाकी के स्टूडेंट जल्दी से दिलकुश सी विनोद कुमार यादव सी पाकिजा बानो सी दीपक सी मतलब लगभग स्टूडेंट के आंसर जो है वो सी आ रहे हैं तो देखिए यहां पे हम बात करें कि यहां पे ड्रग जो है वो कौन सी है क्लोजापाइन ठीक है अब देखो यहां पे हम बात करें ठीक है क्लोजा पाइन ड्रग जो है उसकी बात करें तो आपको थोड़ा सा यहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जब सबका आंसर सी आ रहा है तो मेरे को आपको यह चीज समझानी पड़ेगी कि यहां पे हम ये कहें बात कहें तो देखिए क्लोजापाइन नई वाली एंटीसाइकोटिक ड्रग है और इस क्लोजापाइन का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था वो था एग्रेनुलटोसिस एग्रेनुलो, साइटोसिस, एग्रेनुलो

क्लोजापाइन जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये डोपामाइन के जो रीअपटेक है उसको घटाती है यानी कि हम ये कहें कि डोपामाइन के लेवल जो है उसको क्या करती है ये कम करती है ड्रग ठीक है और इसका कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं है और आपको मैं बता दूं क्लोजापाइन का एक मोस्ट जो है ये एग्रेनोसाइटोसिस एग्रेनोसाइटोसिस मेन और इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है साइड इफेक्ट है इसका और इसका मतलब ये होता है कि डब्लू बी सी का क्या होना डिक्रीज होना

तो कह रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी डिस्टर्ब नहीं होगा ना इसमें का ऑप्शन नहीं है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको देखो बनी बनाई खीर नहीं मिलेगी भाई खुद दूध गर्म करना पड़ेगा चावल डालने पड़ेगी शक्कर डालनी पड़ेगी तब बनेगी ऐसे बनी भाई सारे ऑप्शन आपको थोड़ी दे देंगे इसमें थोड़ा सा प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए अरे भाई आपको यह देखना है कि क्लोजापाइन ड्रग की वजह से जो है वो क्या हो रहा है क्लोजापाइन ड्रग की वजह से डब्ल्यू बी सी क्या हो रही है

देखो लिखा हुआ है इन इफेक्टिव प्रोटेक्शन रिलेटेड टू ब्लड ब्लडिस क्यों क्योंकि WBC क्या हो रही है? कम हो रही कि WBC क्या हो रही है है कम अरे डब्ल्यूबीसी तो है ब्लड यानी कि क्या हो हो रही रही है है डिक्रीज जिसकी वजह से इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ रही है यानी कि प्रोटेक्शन जो बॉडी की प्रोटेक्शन है वो क्या हो रही है इन इफेक्टिव हो रही है और उसमें कोई भी इंफेक्शन होने का क्या हो रहा है चांसेज है क्यों क्योंकि क्लोजापाइन पॉइंट डब्ल्यू को क्या करती है कम करती है तो बताओ अब समझ में आया अब समझ में आया भाई इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे आपको यह है कि देखो क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है ठीक है ये नहीं कि जल्दीबाजी जो है वो शैतान का काम होता है आपको ये काम नहीं करना है ठीक है और ये छोटी छोटी चीजें ही क्या करती है सिलेक्शन करवाती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है आप जैसे सी कर जाते तो गलत हो जाता ना भाई ठीक है तो ऐसा काम नहीं करना है आगे बढ़े ये क्वेश्चन कितने लोगों के क्लियर है सबके क्लियर हुआ जल्दी से बताइए अक्षय सुनीता विवेक वेरी गुड चलिए सब कह रहे हैं हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अब की बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई और ध्यान से कोई जल्दबाजी नहीं ढंग से देखिए भाई ए पैटर्न ऑफ रीअकरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेन ए पैटर्न ऑफ रीअरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेन दैट रिजल्ट रिजल्ट इन शिकिंग ट्रीटमेंट और सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन सोशल और ऑक्युपेशनल और अदर इंपोर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग एंड विच कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन बाई एनी नॉन मेडिकल कंडीशन इज कोल्ड सिंपल सा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया बताइए क्या कहलाएगा ठीक है जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन समझो देन उसके बाद में आंसर दू चलिए शाबाश 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 क्वेश्चन कैसा ही हो घबराना नहीं है बस थोड़ा सा विश्वास बना के रखना है और आपको ये सोचना है कि आ जाएगा जहां गलती होगी वहां पे मैं हूं आपके साथ में सी एच ओ सबसे पहला आंसर आया जितेंद्र का ए फिर दलवीर पूजा विवेक और देखिए जो क्वेश्चन आंसर देने से पहले आप ऑप्शन पे गौर कर लेना कि इसमें हाइपोकोन्ड्रियासिस भी है डिसोसिएशन भी है और कन्वर्जन भी है साथ में सोमेटो सेंसरी डिसऑर्डर भी है तो आप जो है वो सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या बताएं शाबाश चलिए शाबाश वेरी गुड अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगभग सबका आंसर जो है वो क्या आ रहा है सबका आंसर आ आ रहा रहा है है वो ए आ रहा है। विवेक ने आंसर दिया है डिसऑर्डर हैलवीर कह रहे हैं गंभीर बीमारी नहीं होते भी लगता लगना है कि गंभीर बीमारी है बिल्कुल देखो क्या हो रहा है यहां पे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लैंग्वेज किसका इशारा करिए ए पैटर्न ऑफ रीअकरिंग मल्टीपल फिजिकल कंप्लेन्स यानी कि रीअकरिंग फिजिकल सिम्टम्स यही तो हो रहा है फिजिकल सिम्टम्स क्या उसको बार बार जो है वो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ठीक है और इन फिजिकल सिम्टम्स जो है उनका कोई भी नॉन मेडिकल कोज नहीं है कोज नहीं है क्वेश्चन ये पूछ रहा है देखो बार बार और इस बार बार रिकरेंट फिजिकल जो है सिम्टम्स की वजह से क्या हो रहा है उस वो क्या ले रहा है ट्रीटमेंट ले रहा है क्या ले रहा है ट्रीटमेंट ले रहा है अब जितनी बार सिम्टम आएंगे उतनी बार ही क्या, क्या करेगा वो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा और इस बार बार ट्रीटमेंट की वजह से उसका क्या हो रहा है ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग क्या हो रही है डिस्टर्ब हो रही है तो बताइए क्या है देखो मैंने आपको बताया था ऐसा डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है हमारा दूसरा नाम क्या है और फिर भी पेशेंट को लगता है, को उसको बीमार वो है, जो है। उसको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है या उसको वो बीमार है अब बीमार है उसको कैसा पता चलेगा क्योंकि उसकी बॉडी में बार बार क्या आ रहे हैं फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं और उन सिम्टम्स की वजह से वो क्या कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए बार बार जा रहा है ठीक है और ट्रीटमेंट की वजह से ही उसका क्या हो रहा है कि जब वो पेशेंट ये मान के चलेगा उसको कोई किसी प्रकार की गंभीर समस्या है गंभीर समस्या है और जो है वो क्या कर रहा है बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहा है तो उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग जो होती है उसकी क्या होती है डिस्टर्ब होती है बार बार जहाँ पे काम करता है वहां से छुट्टी लेता है ठीक है लोगों से दूरी बना के रखता है कि वो बोलता है कि मेरे को गंभीर बीमारी है इस तरह का तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा हाइपो कॉन्ड्रियासिस

कॉन्ट्रियासिस बोलो क्लियर है समीर शाहबाज ये आंसर दिया है सबका बस्ती राम पटेल कह रहे हैं फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या रख खुद पर बर भरोसा फिर देख होता है क्या वाह आज क्या बात है आज शायरी क्लास चल रही है क्या भाई जो है आज तो मतलब एक से एक से बढ़कर एक शायर जो है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं सही है वैसे सही भी है कि हमारे को इस समय क्या है पूरे जोश और जुनून की आवश्यकता है ठीक है तो सही है जोश बढ़ रहा है आपका इनसे तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चलिए मनीष रहे हैं लाइक करो शेयर करो भाइयों सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हर क्लास जरूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए ताकि सर की मेहनत हमारे लिए रंग ला सके बिल्कुल सही बात है मनीष ने सही बात कही है दबा के शेयर करो दबा के ठीक है मतलब ये कहते ना वो एक वो यूट्यूब आग लगा, आग लगा दो आग वैसा वाला सीन होना चाहिए। चलो, ये क्लियर है next. Next की बढ़ते हैं अपन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. आ गया है ध्यान से पढ़ना थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना जल्दबाजी नहीं करनी है आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है ठीक है चलिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ध्यान से पढ़िएगा द फर्स्ट यूज ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन मॉडर्न टाइम इज एट्रीब्यूटेड टू क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं जल्दबाजी नहीं आराम से मेरे को पता है कि जो ECT का क्वेश्चन आते हैं तुम झंडा लेके निकल जाते हो कि हाँ, ये तो आता है आता है आता है और गलत कर देखो मैंने कहा बस कहने की देर थी और जो है वो बच्चे वही कर रहे हैं जो मैंने सोचा था मैंने कहा अरे क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को समझा करो ऐसा नहीं है कि सीधा झंडा लेके निकल गया हाँ भाई यही आंसर है देखो समझो पढ़ो फिर आंसर दो द फर्स्ट यूज ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी यहां पे लिखा हुआ है कन्वल्सिव थेरेपी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी नहीं लिखा हुआ है भाइयों ठीक है क्वेश्चन को पढ़ो यार जल्दबाजी क्या है झंडा मत उठाया करो ठीक है यहां पे क्या लिखा हुआ है कन्वल्सिव थेरेपी द फर्स्ट यूज ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन मॉडर्न टाइम इज एट्रीब्यूट टू ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कन्वल्सिव थेरेपी से मेंटल डिसऑर्डर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जो है वो किससे एट्रीब्यूट है मतलब वो कि, वो किसका योगदान है तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने लेडिलास वोन मेडुना अगस्ट कॉमटे वुंडट और वूसियो बिनी एंड यूगो सरलेटी शाबाश 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 देखिए मतलब क्या होता है कि मेरे को मेरे स्टूडेंटों में पूरा भरोसा है मतलब थोड़ा सा गलत करते हैं पर थोड़ा सा हिंट देते ही वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं और सब जो है वो ये कर रहे हैं सरोज लक्षकार अभी भी जो है वो बी आंसर दे रहे हैं देखो समझ लो पहले मैं आपको बता दूं सब ये बी आंसर दे रहे हैं तो बी जो है वो इनको क्या बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी फादर ऑफ कि इनको अगस्त कॉम्टे को क्या बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1830 में कौन सा वर्ड दिया था सोशियोलॉजी ये सोशलॉजी वर्ड भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था तो नोट कर लेना कभी पूछ ले तो कर देंगे अपन दूसरा विलियम मैक्सिमिनल इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी ये लो तो ये दो ऑप्शन दो हमारे काट दो उड़ा दो इनको अब बच्चे दो क्या लूशियो बिन्नी एंड साहब हमने तो ई में यही है ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है कि यू यूसियो बिनी और सर ने 1938 में यूज किया था किसको को थेरेपी को इलेक्ट्रोक थेरेपी वर्ड पे जाना भाई इलेक्ट्रोकनवर्जन थेरेपी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उन्होंने क्या किया था कन्वर्जन लाए थे और तो इलेक्ट्रोकर्जन थे यहां पे पूछा केवल क्या, क्या? कन्वर्सिव थेरेपी

कैम्फर ऑयल और कैम्फर ऑयल से उन्होंने क्या किया कैम्फर ऑयल से उन्होंने सीजर्स प्रोड्यूस किए ठीक है कन्वर्जन लाए तो उस जो अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में जो ईसीटी चल रही है उसमें पहला योगदान किसका था मेडुना का था किसका था मेडुना का ठीक है चलिए देखिए भाई हमारे घर पे भी क्लास ली जा रही है घर से मैसेज आ रहा है तभी तो उनका उनको आप पर भरोसा है धन्यवाद चलिए अब देखिए इसके इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये देखिए ये भाई साहब थे कौन से मेडुना ठीक है मेडुना जो है वो कई ये मत समझ लेना फीमेल नाम लगता है तो बोले फीमेल थे। ये बिल्कुल मेल थे ठीक है और इन्होंने 1934 में ये हंगेरियन पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था नाइनटीन में कैम्फर ऑयल और पेंटेलाइन पेंटेलाइन टेट्राजोल की सहायता से क्या किया था जो सीजर्स डेवलप किए थे और उनसे मेंटल जो है इलनेस का क्या किया था ट्रीटमेंट जो है वो लिया था तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह लेडिलॉस जोसफ इन्होंने अगर हम बात करें कन्वल्सिव थेरेपी. थेरेपी थी और उस किससे कैम्फर ऑयल और इस ड्रग से पर अगर बात करें कि ईसी नाम दे आपको इलेक्ट्रो कन्वर्सन थेपी तब हमारे को करना है बिनी और सरलेटी जिन्होंने 1938 में इसकी शुरुआत की थी बोलो क्लियर है या नहीं है अरे बोलो भाई क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ठीक है शाहबाज नवीन बुनकर साथ, साथ के लीजेंड सर बहुत बहुत धन्यवाद नवीन चलिए भाई बताओ जल्दी से बताओ क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई चलो भाई आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज छाट छाट के डाले गए हैं ताकि जो है वो आपकी तैयारी और भी स्ट्रोंग हो सके चलिए और मैं आपको पहले बता देता हूं साइकेट्रिक सब्जेक्ट जो है साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट इसका अनएक्सपेक्टेड रेशो रहता है भाई कहो तो आए नहीं और कहो तो इतनी आ जाए कि सबके फ्यूज ही उड़ा दे ठीक है और पर ये है कि अगर आप क्लास ले रहे हो पढ़ रहे हो तो मेरी गारंटी है आपके फ्यूज तो नहीं उड़ने दूंगा कि हर क्वेश्चन जो है लगभग हर पॉइंट को हम टच करते हुए चलेंगे ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं जो है वो नोट सेट वाले दे सके ठीक है अपनी तो पंचलाइन भी यही है भाई अब की बार नोट सेट पार ठीक है वाह शाबाश सबके आंसर आने लगे डी सबके आंसर जो है वो क्या ये डी शाबाश बहुत बहुत अच्छे मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो थोड़ी ज्यादा ही हो गई है और मौसम कुछ ज्यादा ही सुहावना हो गया है शायद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन उनपे ये मौसम के शिकार हो गए हैं भाई ठीक है ये सुहावना मौसम जो है वो उनके लिए घातक साबित हो रहा है यानी कि बारिश रुकवानी पड़ेगी क्योंकि आप लोग जो है सुहावने मौसम के चक्कर में आप में हो रहा है यूफोरिया और यूफोरिया के चक्कर में जो है वो आप थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन जो है वो जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं ऐसा कैसे होगा भाई ऑप्शन को देखो समझो और फिर आंसर दो ठीक है नोट सेट के बाद भी बारिश करवा देंगे यार आपके लिए आपको टेंशन लेते हो ठीक है देखो ए क्लाइंट विथ टाइप ए डायबिटीज पेशेंट जो है वो किसका है डायबिटीज का है ठीक है डायबिटीज का पेशेंट है इस डायग्नोस्ट विद ए साइकोसिस और उस जो है उसको क्या हो गया साइकोसिस हो गया और साइकोसिस होते ही तो ड्रग हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग मतलब पुरानी एंटीसाइकोटिक ड्रग ड्रग और इस की खास बात मैंने लिखा ही है सबसे ज्यादा ईपीएस के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं बहुत साइड इफेक्ट होते हैं इस ड्रग के चलो दे दी विच रेस्पॉन्सुड नर्स एंटीसिपेट विध दिसन के डायबिटीज के साथ में

ठीक है पर यहां ये देखो साफ पूछ रहा है विस द नर्स एंटिसिपेट विथ दिस ड्रग कॉम्बिनेशन मतलब डायबिटीज मेलाइटस प्लस हेलोपेरिडोल हेलो इसका पूछ रहा है भाई केवल केवल है जो है हेलोपेरिडोल का नहीं पूछ रहा तो अब आंसर दो सोचो नी पकड़ में आया देखो मैं बताता हूं कि यहां पे क्या है एक चीज अपने जो है वो दिमाग में अच्छी तरह छाप लो कि जो हेलोपेरिडोल ड्रग जो है इसका डायबिटीज के साथ में कनेक्शन ये है कि ये हेलोपेरिडोल जो है वो क्या करती है कि डिक्रीज द डिक्रीज द इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसुलिन अरे ये ड्रग क्या करती है ये की पॉइंट बना के लिख लेना कि हेलोपेडोल क्या करती है हेलोपेडोल अगर डायबिटीज के पेशेंट में देते हैं तो ये क्या होता है इंसुलिन के इफेक्ट को क्या कर देती है कम कर देती है अब इंसुलिन का इफेक्ट कम होगा तो ऑप्शन आपके सामने है जल्दी से छाप दो आंसर इसका जल्दी से छापो शाबाश सीएचओ कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया अरे कैसे नहीं आएगा समीर कह रहे हैं आज पता नहीं बचीड क्यों नहीं लग रही है <laughs> सही है आज बचीड़ नहीं लग रही मौसम की वजह से ठीक है कहीं कहीं मौसम के चक्कर में किसी चीज और चीज को बचीड़ तो नहीं लगा दिए कहीं तुमने ठीक ठीक है ऐसा नहीं करना है ध्यान रखना आ गए सब आ गए आ गए शाबाश बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात शाबाश मैंने कहा कि इंसुलिन का इफेक्टिवनेस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज कंट्रोल ऑन द डायबिटीज के डायबिटीज पे उसका कंट्रोल क्या होगा कम होगा यानी कि डायबिटीज के पेशेंट में अगर साइकोसिस का आया तो हेलोपेरिडोल देने से पहले आप उसको क्वेश्चन दो चेतावनी दो और डॉक्टर को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर ड्रग देंगे तो वैसा भी इसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि हेलोपेरिडोल या हेलडोल जो ड्रग है वो इंसुलिन के इफेक्ट को कर देती है कम कर देती है तो सभी जय श्री राम बोल के और सी आंसर को लॉक कर दो अरे क्या करोगे जय श्री राम बोलो और ठोक दो आंसर कौन सा सी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है थोड़ा सोचना है मैंने कहा ना आपको अरे यार काम ही यहाँ पे यह है कि छोटी छोटी बातें आपके क्लियर करवाना मैं यहाँ पे बिल्कुल वन नाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और फिर यहाँ पे लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करके और चला जाऊंगा कि हाँ भाई हो गया आज का क्वेश्चन सेशन दो तीन शायरी सुनाई दो तीन वो किया यार बच्चे खुश नहीं गलत बात अपना काम ईमानदारी से कुछ ऐसा हो कि जो आपके लिए फायदेमंद हो अरे तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ यार ये बात तो सही है ऐसा हो सकता है और आपको पता है नोट सेट जो है क्वेश्चन घुमाने में बहुत माहिर है तो इस हिसाब से हमारी तैयारी को हम इसी हिसाब से करें कि कहीं भी चूक ना हो बोलो सही बात है शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलें आगे चलें, चलें। चलिए देखो जय श्री राम जय श्री राम चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब तो गलत नहीं करोगे पक्की बात है अरे बोलो सही बात है ना आपकी बात ध्यान से ठीक है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है चलो बताओ ए नर्स इज ये टीचिंग है भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई कभी कभी मेरे से भी गलतियां हो जाती है भाई ठीक है पर ये तो ह्यूमन एरर है चलेगा पर इतनी गलती नहीं चलेगी ऑप्शन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि तुम और कुछ करके आ रहे हो ये गलती नहीं चलेगी ये तो चलो चलता है ए नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ ऑफ चाइल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि एडीएचडी चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है है ठीक अबाउट द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन मेथाइल फेनिडेट ये लो ये हमने लास्ट क्वेश्चन सेशन में पढ़ा था बड़ी मुश्किल से तो रटा था

कि ये किस टाइम पे देनी है दिन में किस टाइम पे दें और चार ऑप्शन दे दिए बताओ देव गुजर का आया ए, ए अरे क्या बात है भाई अब आंसर फटाफट क्यों नहीं दे रहे सब देखो भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे लाइव कितने हैं दस बीस तीस पांच दो एक चलेगा पर जितने हैं ना उतने जो है पूरा दिमाग लगा दो इधर ठीक है पूरा दिमाग इधर होना चाहिए क्योंकि अगर ये मान लो दस क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल फिट बैठ गए तो मेरी गारंटी जिस तरह से आपकी क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है उस दस क्वेश्चन में आपकी कम से कम सौ बातें क्लियर हो जाएगी ठीक है ध्यान दो <coughs> सॉरी तो देखिए ये पूछ रहा है बिफोर ब्रेकफास्ट जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट इमीडिएट बिफोर लंच एज सुन एज चाइल्ड अवेक जैसे चाइल्ड जगे और उठा के तब दे दो ऐसा थोड़ी ना होगा यार कि क्लाइंट उठा आप मदर जो है इंतजार ही कर रही है बेड बेटी बेटी कब बच्चा उठे और कब इसके मुंह में जो है वो टेबलेट डाली जाए ऐसा नहीं अब यहां पे हम कहेंगे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट और लंच तो यहां पे खाने पीने की बात हो रही है तो हम ये ध्यान रखें कि देखो जो ड्रग है कौन सी मेथाइल फेनीडेट मेथाइल फेनीडेट ये होती है भाई सीएनएस एन क्या होती है स्टूमलेंट और ये सी एन एस जो होती है ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि ये दो काम करती है कि एक तो क्या करती है कि CNS और ब्रेन इनको क्या करती है स्टूमेंट करती है स्टूमलेट करती है पर साथ ही साथ इसका ये होता है कि ये एपेटाइट एपेटाइट यानी कि भूख इसको क्या करती है कम करती है तो ध्यान रखना लिख लो नोट बना के लिख लो कि जो ये मिथाइल फेनिडेट होती है क्या होती है एपेटाइट सप्रेसेंट होती है क्या होती है एपेटाइट सप्रेसेंट अब एपेटाइट सप्रेसेंट आपने खाना खाने से पहले दे दी तो उसको भूख ही नहीं लगेगी तो खाना क्या खाएगा वो तो हम यहाँ पे कहें अब देखो कौन सा ऑप्शन आएगा मैंने बता दिया एपेटाइट को कम करती है एपेटाइट सप्रेसेंट होती है तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए फटाफट बिफोर ब्रेकफास्ट जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट इमीडिएटली बिफोर लंच या एज सुन एज द चाइल्ड अवेक्स सबके आंसर हैं बी अब जो देखो सुनो समझो बात को अब जो बी आंसर दे रहे हैं वो मेरे को इस बात का जवाब दो कि ब्रेकफास्ट से तुम्हारा काम हो जाता है क्या ब्रेकफास्ट किया और तुम्हारा काम चल गया पूरे दिन भर तलवीर कह रहे हैं सर इसमें एक वो भी समझाना कि ऑलरेडी पेशेंट को हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो फिर सीएनएस स्टमुलेट क्यों देते हैं ठीक है देखो मैंने आपको पहले से अच्छी तरह समझाया है कि अटेंशन कंसंट्रेशन उसकी डिस्ट्रक्टिविलिटी को कम करने के लिए सीएनएस स्टूम दी जाती है क्योंकि सी एन एस स्टलेट क्या करती है सीएनएस ऑफ ब्रेन को स्टमुलेट करती है इसके साथ में क्या करती है ये मेंटल अलर्टनेस किसको मेंटल अलर्टनेस को भी क्या करती है बढ़ाती है तो जैसे ही मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी उसमें जो डिस्ट्रक्टिविलिटी है वो कम हो जाएगी इसलिए हम ये देते हैं ठीक है देखो इसमें जो राइट right आंसर होगा वो क्या होगा बिफोर लंच इसमें हम क्या करेंगे अरे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का क्या है ब्रेकफास्ट से हमारे कुछ नहीं होता हम रह गए देसी आदमी ठीक है जब तक पांच सात रोटियां ये ऐसे नाप की रोटियां नहीं दबा लें तब तक हमारे कुछ होता ही नहीं ब्रेकफास्ट में क्या होता है ब्रेड टोस्ट बिस्किट से हमारा क्या होता है हम तो बात करते हैं किसी खाने पीने में और वो भी क्या लंच और लंच में आपको पता है कि लंच में भी हम क्या करते हैं कि आराम से नाप के तो सब मिला के हैं तो lunch, अरे जैसे ही बच्चा अब जस्ट पहले जा, जाएगी तो अभी तो वो जाएगी अब जो होगी तब सेपरेट करेगी ना यहाँ पे आप जो है पेट को स्टोमक को कंफ्यूज कर दो कि आप जो है वो पचे नहीं उससे पहले ही वो ड्रग दे दो अब बच्चा क्या करेगा जैसे ही उसने टेबलेट एपेटाइट सब प्रसेंट अभी इतना असर आएगा नहीं और वो आराम से दबा के लंच कर लेगा फिर उसके बाद में चाहे होता रहे क्यों सही है ना तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा सी आएगा बोलो क्या कहते हो अरे बोलो क्या कहते हो सही है ना देव डाइट हाँ बिल्कुल सही है कि दिन हो चाहे रात हो जो है अपना काम क्या है दबा के खाना समीर कह रहे हैं सर लीथियम कब देते हैं देखो लिथियम क्या होता है कि उसका टेस्ट जो है वो बहुत खराब होता है ठीक है तो उसका थोड़ा सा टेस्ट खराब होता है तो हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि खाना खाने के बाद जो है वो जल्द ज्यादातर प्रिफर करते हैं ठीक है चलो समझ में आ गया सबके आगे बढ़ते हैं तो हमने दो चीजें हमारे ध्यान रख ली के पेरिडोल इंसुलिन के इफेक्ट को कम करेगी और मिथाइल पेनिडेट जो होती है वो क्या होती है सप्रेसेंट होती है तो हम खाना खाने के जस्ट पहले ही उसको दे देंगे ठीक है रोशन कह रहे हैं कि बिफोर लंच देंगे देखो जो ये ड्रग होती है ये जाएगी अब जो होगी ओरल दे रहे हैं अपन टेबलेट दे रहे हैं तो ये जाएगी अब जो होगी देन उसके बाद में उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है जस्ट बिफोर जो है वो वो नहीं देते हैं ऑटोमेंट और आट, ये वाह देखो क्या नाम है ये ऑटोमेटिक वर्क एक विलांद नाप कर लेते हैं <laughs> ये देखो ऑटोमेटिक वर्क ने कहा है कि एक बिलान ना आपके लेते हैं बहुत बढ़िया शाबाश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और यह हमारा आज का आज के क्वेश्चन सेशन का लास्ट है ठीक है अंत बला तो सब बला चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और सबका आंसर सही आना चाहिए भाई गलत नहीं चलिए सबसे पहले दलवीर का आंसर आया डी वेरी गुड शाबाश और बाकी देखो एक 25 साल के भाई साहब हैं ठीक है और उनको ऑफर मिला है वर्क एक ऑफर आया है उनके लिए जो है वो जॉब ऑफर लेटर आया है उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर आया है वो कहां से आया एक जूते की दुकान से ठीक है ही रिलाइज दैट

खो जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम उसी उन्हीं ख्यालों में जो है वो लगाते हैं ठीक है अब वो क्या करते हैं कि बोले यार ये तो चीज़ है। तो तो बढ़िया चीज है है वो 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 क्या करते हैं? तो वो क्या करते करते हैं हैं ही मल्टीपल ऑफ शूज उस दुकान से जो पांच सात तरह के फीमेल शूज क्या कर लेते हैं चोरी कर लेते हैं चोरी करके कहा ले जाते हैं घर पे ले जाते हैं बोलो वहां पे आराम से खूब देखेंगे और खूब फेंटिसाइज करेंगे अब आपको बताना है कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस और ये सारे के सारे जो हैं मतलब क्लैप्टोमेनिया को छोड़ दें तो ये तीनों जो है वो क्या है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर हैं और सबके आंसर जो है वो क्या आ आ रहे रहे हैं हैं डी मतलब आपकी सारी गलतियां माफ लास्ट का आंसर आंसर जो है है वो बिल्कुल सटीक दिया है, आपने बिल्कुल सही दिया है पर कई बच्चे जो है वो क्या होंगे कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो ही स्टोल स्टोल का मतलब चुराना कि चीजें चुराने की लत जो है वो क्या कहलाती है क्लेप्टोमेनिया इसका मतलब होता है क्या ऑब्सेसिव डिजायर टू स्टिल थिंग्स अरे चीजें चुराने की आदत जो है वो क्या कहलाती है क्लेप्टोमेनिया कहलाती है जबकि हम बात करें सेडिज्म तो सेडिज्म जो होता है वो क्या होता है अदर सफरिंग अदर सफरिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें क्या होता है क्लाइंट को यह फैंटेसी होती है कि अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपने सेक्सुअल पार्टनर को फिजिकली हार्म करेगा ह्यूमिलिएट करेगा तो उससे उसको क्या होता है सेक्सुअल अराउजल फील होता है तो वो चीज क्या कहलाती है सेडिज्म जो होता है वो क्या होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट बाय अदर्स Next, के दूसरे लोगों को विदाउट क्लोथ और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान देखने से उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील होता है तो वो चीज क्या कहलाती है Boyism. तो हमारा बच्चा क्या लास्ट फेटिज्म इसमें क्या करता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है निर्जीव वस्तुओं से उसमें क्या होता है उसको क्या होता है सेक्सुअल अराउजल फील होता है तो वो चीज क्या कहलाती है फेटिज्म जैसे शूज हुए हुए क्लोथ हुए अंडर हुए हेयर क्लोथ इन सब से उसको क्या होता है सेक्सुअल अराउजल होता है और जनरली ये देखा जाता है कि अपोजिट सेक्स जो है होता है उनकी ये जो थिंग्स होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उनसे उसको होता है तो ये चीज हमारा आंसर होगा वो क्या होगा डी होगा क्योंकि यहाँ पे देखो चुरा तो रहा है चुरा रहा है पर किसके लिए चुरा रहा है सेक्सुअली अराउज होने के लिए तो यहाँ पे हम क्लेप्टोमेनिया नहीं करके क्या करेंगे fetism करेंगे क्या करेंगे fetism करेंगे बोलो सही है नहीं है जिन्होंने डी आंसर दिया है सब जो है वो बधाई के पात्र हैं बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई आपने समीर करें इन रिवर्स डिजायर टू स्टिल बिल्कुल सही है चीजें चुराने की लत क्लेप्टोमेनिया सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सेक्सुअल पार्टनर को पेन पहुंचाना sadism, दूसरों को देखकर नेक् विदाउट क्लोथ देखकर एक्साइटेड होना वोरिज्म और फेटिज्म क्या होता है

अगर कोई भी इनसे रिलेटेड या यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको एक सेकंड के तीसरे समय उनका आंसर कर देंगे पर जहां जो गलती आप यहां कर रहे थे वो नहीं करनी है जल्दबाजी नहीं, नहीं करनी है आप वहां पे थोड़ा शालीनता से आराम से सोच समझ के आंसर करना ठीक है अब ऐसा ही जो है हमने वादा किया आपसे कि हंड्रेड एम जो सीरीज चलेगी वो उसमें ये आप देख रहे हैं चौथी क्लास है फोर्थ जो है सेशन आया है इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है हमारी मुलाकात हो हम जल्दी जल्दी मिलें ताकि क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और उस कम टाइम में हम हमारा प्रयास ये है कि आपको अच्छे से अच्छे जो है वो प्रिपरेशन करा सकें और आप सबका जो है वो जल्दी से नॉर्थ सेट में सिलेक्शन हो जाए ऐसी हमारी जो है वो उम्मीद है आशा है और हम यही प्रार्थना करते हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए तो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये वीडियो YouTube पर रहेगा आप उस पर कमेंट करके या डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके आप जो है वो डाउट पूछ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ में हम आज का क्वेश्चन सेशन खत्म करते हैं ठीक है आप लोग सब जाइए आराम से खाना वाना बनाइए जैसा कि ऑटोमेटिक वर्क ने कहा था कि एक बिलान ना आपके जो है वो खाना खाइए मौसम का मजा उठाइए पर यह है कि पढ़ाई करना नहीं भूलना है पढ़ाई भी आपको करनी है ठीक है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे जय हिंद जय भारत धन्यवाद